लाइफ स्टाइल सिर्फ खाने पीने की एक्सरसाइज की नहीं लाइफ स्टाइल सोचने की जब हम कहते हैं ना दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल डिजीज लाइफ मीन्स ये ये जीवन यहाँ है लाइफ इस लाइफ का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें तो देर इज प्रूफ कि सोच से फीलिंग्स चेंज हो सकती हैं सोच से सेहत चेंज हो सकती है सोच से, से रिश्ते बनते हैं सोच से प्रकृति पे असर पड़ता है आज जो हम प्रकृति की चीज़ें देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज नाउ द ओल साइंटिफिक कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सेइंग हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट, हाउ टू सेव द प्लानट लोगों ने स्टैटिस्टिक्स देने शुरू कर दिए हैं कि इस प्लैनेट की सरवाइवल कितने साल की है इस रेट के ऊपर तो अब उसके लिए पानी सेफ कर रहे हैं वेरी गुड प्लास्टिक खत्म कर रहे हैं वेरी इम्पोर्टेंट लेकिन ये सब कुछ सक्सेसफुल तब होगा अगर साथ साथ यहाँ को बदला जाएगा क्योंकि क्लाइमेट प्लानट नेचर यहाँ से बन रही है यहाँ से हमने यहाँ से पानी सेव किया लेकिन यहाँ से तनाव और नफरत और दुख को खत्म नहीं किया प्रकृति सतोप्रधान सात्विक नहीं बन पाएगी आजकल तो कभी कभी अब्यूजिव लैंग्वेज भी बोल देते हैं बोल देते हैं ना अब्यूजिव लैंग्वेज हाँ में से किसी की लैंग्वेज में अब्यूजिव लैंग्वेज तो नहीं है कोई हाथ उठाओ जिसको आदत है छोटे छोटे शब्द इधर उधर के ऐसा लो वाले बोलने के उठा लो कोई बात नहीं उठा लो उठाएंगे चेक करेंगे खत्म करेंगे हाँ वो इतने कॉमन हो चुके हैं वर्ड्स कि हमें याद भी नहीं रहता कि ये अब्यूजिव लैंग्वेज है क्योंकि वो हमारी वो का ही हिस्सा बन जाते हैं छोटे छोटे बच्चे भी जाके स्कूल से सीख के आ जाते हैं फ्रेंड्स बोलते हैं तो बोलने लगते हैं भाषा भाषा वर्ड्स आर वर्ड्स क्रिएट आर वर्ल्ड आर वर्ड्स क्रिएट आर वर्ल्ड खुद भी हाई एनर्जी भाषा बोलेंगे और और परिवार की भाषा भाषा मतलब यहाँ संकल्पों की भाषा शब्दों की भाषा भाषा में एनर्जी है जितना अपनी भाषा को ऊंचा बनाते जाएंगे सारा दिन में चेक करो कौन से ऐसे शब्द हैं जो लो एनर्जी वर्ड्स हैं उनको हटा देते हैं आज वो कैबलरी को चेंज करते हैं एक नई भाषा सीखना कितना इजी होता है किसी भी एज में एक नई भाषा सीखी जा सकती है हमारी वोकेबलरी में कौन से लो एनर्जी वर्ड्स हैं बताइए लो एनर्जी वर्ड्स इम्पॉसिबल वेरी गुड ये इम्पॉसिबल है मेरे से नहीं हो सकता ये लो एनर्जी वर्ड और मेरे पास टाइम नहीं है लो एनर्जी वर्ड और मैं बहुत बिजी हूँ लो एनर्जी वर्ड जस्ट लुक अगर दिन में एक बार भी बोल दिया ना मैं बहुत बिजी हूँ बिजी की एनर्जी यहाँ टर्ब्यूलेंस वो टर्ब्यूलेंस की एनर्जी जाती है यहाँ शरीर में क्रिएट करती है टर्ब्यूलेंस परिवार और वर्क को वो एनर्जी मिलती है टर्ब्यूलेंस बहुत बिजी एम पोजी है एंड पूरे वातावरण में फैल जाता है बिजी एम पिजी है पिजी एम हमारी दादी जी कहती है पता है उनकी एज कितनी है हंड्रेड एंड थ्री प्लस हंड्रेड एंड थ्री की एज में अभी भी लंदन गई हुई है पिछले महीने भी गई थी पिछले महीने भी गई थी पिछले महीने लंडन गई नहीं दुबई गई दुबई से लंडन गई लंडन से न्यूयॉर्क गई न्यूयॉर्क से वापस लंडन आई फिर इंडिया आई इंडिया में दिल्ली में लैंड करते यहाँ साउथ इंडिया में आई फिर माउंट आबू गई पंद्रह दिन के बाद लंडन गई ये सब कुछ वो कर रही है हंड्रेड एंड थ्री के प्लस के एज के अंदर सेंटर्स कितने संभाल रही है एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सरेंडर्ड बहने कितनी है कुछ चालीस पचास हजार बहनें हैं सिर्फ उनके पास संभालने के लिए बाकी लाखों परिवार हैं उन्होंने एक शब्द हमको सिखाया और खुद भी वोकेब्लरी में कभी नहीं डालती है शी विल नेवर एवर एवर से एंड नेवर अलाउ अस टू से आई एम बिजी आई एम बिजी इज अ लो वाइब्रेशन वर्ड एंड शी रिप्लेस्ड इट फॉर अस एंड शी सेड यू ऑलवेज हैव टू थिंक एंड स्पीक आई एम लाइट आई एम ईजी काम कितना भी करो 24 घंटे में से 18 घंटे सेवा करो लेकिन आई एम बिजी के एनर्जी के साथ नहीं करना है बिजी और ईजी इज़ नॉट अबाउट हाउ मच वी आर वर्किंग कुछ लोग घर पे होते हैं रिटायर हो चुके हैं कुछ बहुत ज़्यादा करने के लिए नहीं है लेकिन उनसे ज़्यादा बिजी उनसे ज़्यादा बिजी कोई होता नहीं कहते टाइम ही नहीं मिलता टाइम ही नहीं मिलता बहुत बिजी है इट्स अ लो वाइब्रेशन वोकेबलरी तो आज उस वर्ड को यहाँ स्वाह करके जाते हैं हम सब कैसे हैं आई एम आई एम ईजी हमारे पास कितना टाइम है अच्छे से बोल दो एक बार हमारे पास कितना टाइम है मेरे पास बहुत टाइम है आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेगा दिस इज एन एक्सपेरिमेंट जस्ट आप रोज़ ऐसा सोचो और ऐसा बोलो कि मेरे पास बहुत टाइम है मेरे पास बहुत टाइम है जितना मेरे पास काम है उससे कई गुना ज़्यादा मेरे पास टाइम है मेरे पास परिवार के लिए टाइम है मेरे पास अपने लिए टाइम है थोड़े दिन के अंदर यू विल स्टार्ट सीइंग इट कि आपके पास जितना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम होता है इट इज़ एन रिलेशनशिप एन एनर्जी रिलेशनशिप विथ टाइम समय का सम्मान करें रिस्पेक्ट टाइम टाइम विल रिस्पेक्ट यू हर जगह समय से पहले पहुंच जाओ समय के साथ एक सुंदर रिश्ता बन जाता है कहीं आप कभी अटक भी गए ना सारी चीजें चेंज हो जाएंगी ताकि आप समय पर पहुंच जाओ क्योंकि समय की जिम्मेवारी बन जाती है आपको समय पर पहुंचाने के लिए क्योंकि आपने हमेशा समय की रिस्पेक्ट की है वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विथ टाइम एनर्जी विद माइंड विद बॉडी विथ पीपल जैसे हमारा लोगों के साथ रिश्ता होता है वैसा हमारा समय के साथ रिश्ता होता है हमारा प्रकृति के साथ रिश्ता होता है नेचर आप प्रकृति को सम्मान कीजिए प्रकृति आपका ध्यान रखेगी आप पानी का ध्यान रखिए पानी का भी आपको धोखा नहीं देगा आप बिजली का ध्यान रखिए वो कभी आपको धोखा नहीं देगा रिलेशनशिप इवन विद मैटर फिजिकल चीज़ें फिजिकल चीज़ें अगर आप हर चीज़ का ध्यान रखते हैं ऐसे नहीं कहीं भी फेंक दिया कहीं भी छोड़ दिया कहीं भी गिरा दिया मतलब हमने उसका सम्मान नहीं किया जब हम चीज़ों का सम्मान करते हैं चीज़ें हमारा ध्यान रखती हैं इट इज़ अ रिलेशनशिप Everything is a relationship. So I am very easy. I have a lot of time. Any other negative low energy vibration word? Hanji? Tension to emotion hai. Low energy vocabulary. I am tired. Yeah. I am tired. Sirf panch bar se pyar se. I am tired. आई एम टायर्ड आई एम टायर्ड वो रियलिटी संकल्प से सिद्धि और फिर एक थॉट क्रिएट करो आई एम आई एम फ्रेश आई एम एनर्जेटिक यहाँ तक कि कोई और आके पूछे थके हुए हो का? कहाँ कहाँ थके किधर थके हुए खुद भी नहीं बोलो लो एनर्जी वर्ड और किसी को आपके लिए बोलने नहीं दो तो. दादी जी क्या करती है सपोज आज उनकी तबियत ठीक नहीं क्योंकि 103 में शरीर को कभी कभी कुछ होता रहता है अगले दिन सुबह तक वो मैजिक उसको क्रिएट कर देते हैं तो वो आज ठीक नहीं होती डॉक्टर वगैरह आए होते हैं तो हम क्या करते हैं गलती नेक्स्ट डे जाते हैं उनके पास और कहते हैं दादी जी आपकी तबीयत कैसी है अभी शी लुक्स एट अस जिसे तुमने मेरी तबीयत के लिए गलत बात किया तुमने पूछा मेरी तबीयत कैसी है मैं बीमार दिख रही हूँ क्यों बोला ऐसा मतलब डू नॉट क्रिएट अ लो एनर्जी वर्ड वो दुआ नहीं है हमें दुआ का ऑपोजिट नहीं देना है किसी को किसी की तबीयत कितनी भी ख़राब हो आप सिर्फ़ एक ही थॉट क्रिएट करो आपकी तबीयत बिल्कुल परफेक्ट है